देखा जाए तो पाकिस्तान अभी इस विवाद से उभर नहीं पा रहे थे। एशिया कप का मसला काफ़ी टाइम से चल रहा था। कहीं ना कहीं ICC, BCCI, PCB में तीनों में आपस में एक रंजिश चल रही थी कि एशिया कप के मुकाबलों के लिए पहले तो ये बोला जा रहा था कि पाकिस्तान जो है होस्ट कर रहा है, इंडिया अपनी जो भारतीय टीम है उसको पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि जय शाह ने यहाँ पे कुछ ऐसे प्लान रचाए और BCCI ने सख्त तरीके से मना कर दिया कि एशिया कप के लिए भारत पाकिस्तान नहीं जाएगा। अभी इस सदमे से पाकिस्तान उभर नहीं पा रही थी कि चैम्पियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए मिली थी उससे भी वो हाथ धो बैठे। जी हाँ, ICC ने 2021 में चैम्पियंस ट्रॉफी को होस्ट करने का दावेदार पाकिस्तान को चुना। लेकिन अभी पाकिस्तान सिर्फ एशिया कप से हाथ नहीं धो बैठे हैं, साथ ही साथ में चैम्पियंस ट्रॉफी से भी हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तान के चीफ नज़म सेठी ने दे दिया है बड़ा बयान, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सरेंडर होने के लिए तैयार है। क्योंकि BCCI की वजह से अब जो है पाकिस्तान के बोर्ड पे फिर से एक घबराहट के बादल मंडरा रहे हैं। क्योंकि पहले तो यहाँ पे एशिया कप की इतनी चर्चा हो रही थी, एशिया कप के मैदानों को लेकर इतनी चर्चा हो रही थी कि एशिया कप जो है पाकिस्तान में होगा कि भारत में होगा। लेकिन अब इसके साथ यहाँ पे मेज़बानी सिर्फ यहाँ पे एशिया कप की उनसे नहीं छिनी है, बल्कि आने वाली 2025 की भी मेज़बानी पाकिस्तान से जाते हुए नज़र आ रही है। और साथ ही साथ में पाकिस्तान अभी से BCCI के आगे सरेंडर होता हुआ नज़र आ रहा है। कैसी लगी हमारी ये सारी रिपोर्ट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करें तूफान स्पोर्ट्स पर।